हैं। चलिए इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई टू द पावर फोर, मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको हटा दें सेकंड टर्म को, सबसे पहले इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स टू द पावर फोर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में वेरिएबल सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, सिक्स प्लस फोर प्लस टू सिक्स प्लस। अब आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स टू द पावर फोर एंड वाई स्क्वायर को, तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, एज इट इज इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमने एक्स टू द पावर फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें वाई स्क्वायर से, माइनस प्लस माइनस, दोनों टर्म्स वाई की हैं, टू प्लस टू फोर। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो मैं फिर उसको दोबारा से किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।